में 60 के दशक में दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद जैसे बड़े हीरोज फिल्मों में छाए रहते थे, लेकिन इन सब के बीच एक अभिनेत्री ने महिला प्रधान मुख्य रोल से अपनी खास पहचान बनाई थी। ये अभिनेत्री थी साधना। महिला प्रधान फिल्मों का दौर बॉलीवुड में साधना ही लेकर आई थी। उन्हें सबसे पहले पहचान मिली थी 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो कौन थी से। इस फिल्म ने साधना को रातों रात स्टार बना दिया था। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने और फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार। लेकिन वो कौन थी ने उस वक्त लोगों को चौंका दिया था। 1949 की फिल्म महल के बाद वो कौन थी भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली थ्रिलर फिल्म बन गई थी, जिसने रहस्य और रोमांच से भरी फिल्मों का फॉर्मेट तैयार किया। लव इन शिमला से 1960 में अपना डेब्यू करने वाली साधना 60 के दशक की पॉपुलर अभिनेत्री थी, लेकिन वो कौन थी में उनका डबल रोल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। वो कौन थी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन म्यूजिकल थ्रिलर फिल्मों में से है। इसके गाने आज भी यादगार है। मदन मोहन ने फिल्म में संगीत दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के अलावा इस फिल्म ने एक और इतिहास रचा था। दरअसल उस वक्त तमिल और तेलुगु फिल्म बनाने वाले हिंदी फिल्मों की कहानियां और संगीत नहीं लेते थे, लेकिन वो कौन थी पहली हिंदी फिल्म थी जिसके म्यूजिक और कहानी को तमिल और तेलुगु में हूबहू रीमेक किया गया। इन दोनों रीमेक फिल्मों में साधना के किरदार को निभाया था जयललिता ने। जी हाँ, तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री 60 के दशक की बड़ी सुपरस्टार थी। 1966 में रिलीज हुई फिल्म यारनी दरअसल वो कौन थी की तमिल रीमेक थी। वहीं उस साल जयललिता ने इस फिल्म का तेलुगु रीमेक में भी काम किया था और इस फिल्म का नाम था ओमे इरु। वो कौन थी के रीमेक फिल्मों में जयललिता दर्शकों के बीच छा गई। वो कौन थी और इनके रीमेक का असली आकर्षण था फिल्म के ओरिजिनल गाने। इन्हें मदन मोहन ने बनाया था और लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म के सारे गाने आज भी क्लासिक हैं, जैसे लग जा गले, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, आप क्यों रोए।